भाई साहब, असुर 2 की डिटेल निकालने में तो मजा ही आ गया। मैंने असुर के सीजन 2 को दूसरी बार देखा 0.25x स्पीड में, तो मुझे 26 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि तुमने गारंटीड मिस कर दी होंगी। डिटेल नंबर 1, एपिसोड 1 के इस सीन में जब डीजे अपना फोन ऑन करता है तो उस पर कई सारे मैसेज आते हैं जो कि लोगों ने किए होते हैं उस पर पहले से। लेकिन अगर तुमने नोटिस किया होगा तो नैना ने एक मैसेज शुरू में किया था डीजे को, जो कि हम इस वाले सीन में देख भी सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अटेंशन टू डिटेल। डिटेल नंबर 2, एपिसोड 1 की शुरुआत में शुभ अर्जुन की स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे उनके अस्त्रों का काम खत्म होने के बाद वो किसी काम के नहीं रह गए थे। वैसे ही शुभ अपने साथी जगदीश को मार देता है क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी आगे। तो ये एक्चुअली में शुभ के कैरेक्टर का एक और बार रेफरेंस दिया गया है कि कैसे वो कुछ करने से पहले हिंट देता है कि वो क्या करने वाला है। डिटेल नंबर 3, तो एपिसोड 1 में जब निखिल उस डेड बॉडी से एक घड़ी निकाल लेता है तो उस घड़ी में टाइम 9:05 होता है, जिस टाइम पर असुर 3 लोगों को मारता है। लेकिन अगर तुमने गौर दिया हो तो वहां पर एक और सुई थी सेकंड की, जो कि एक्चुअली में 36 सेकंड पर थी। तो जब तुम उन लोगों के मरने का टाइमर चेक करोगे हार्ट अटैक के बाद वाला, तो वो एग्जैक्टली 36 सेकंड ही बैठेगा। ओ माय गॉड, ऐसी डिटेल्स। डिटेल नंबर 4, ये वाली कंटिन्यूटी डिटेल मुझे काफी पसंद आई। एपिसोड 2 के इस सीन में जहां पर धनंजय इस स्वाति के इंजेक्शन लगा रहा होता है, तो तुमने शायद ही नोटिस किया होगा कि धनंजय के हाथ पर एक बैंडेज बंधा हुआ है, जो कि एक्चुअली में उसने तब लगाया होगा जब उसने एपिसोड 1 में गुस्से में पंच मारे थे उस पेड़ में, जिस वजह से उसका हार्ट डैमेज हो गया होगा। डिटेल नंबर 5, एपिसोड 3 में जब डीजे और नैना डार्क वेब पर उस पॉडकास्ट की कमेंट्स देख रहे थे तो मुझे कुछ दिखा और मैं चिल्लाया सैलमोन भाई। तो कमेंट सेक्शन में एक यूजर है जिसका नाम है सैलमोन भाई, तो सैलमोन भाई के लिए 1 लाख तो बनता है। डिटेल नंबर 6, एपिसोड 3 में जब धनंजय वृंदा से मिलने जाता है तो वो कुछ बुक्स की तरफ देखता है, जिसके बाद वो एक बुक उठाता है कली और कलयुग वाली। लेकिन इससे पहले यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर एक बुक है ह्यूमन एनाटॉमी के नाम से, जो कि बुक होती है इंसान की चीर फाड़ के ऊपर, वही काम जो निखिल और नुसरत किया करते हैं। अब मेन बात यहाँ पर यह है कि वृंदा ऐसी बुक क्यों पढ़ने लगी, तो इसका कनेक्शन है सीजन 2 के एपिसोड 1 से, जो डेड बॉडी निखिल को मिली थी ना, जिसमें एविडेंस डाले गए थे। हाँ, तो उस डेड बॉडी की प्लानिंग शायद वृंदा ने की हो, और जैसा मैं बताया एंडिंग में ये भी कंफर्मेशन हो ही गया था कि वृंदा असुर से मिली हुई थी। डिटेल नंबर 7, जब धनंजय वो बुक उठाता है कली और कलयुग वाली, तो वहां पर क्लियरली देख सकते हो शुभ का नाम डला होता है। वैसे तो ये चीज नॉर्मल है, पर जब मुझे पता लगा कि वृंदा शुभ के साथ मिली हुई है, तो समझ आया कि ये शुभ और वृंदा का ही प्लान था ये बुक धनंजय तक पहुंचाने का, क्योंकि वृंदा शुभ को शुभ के नाम से नहीं सर्वानंद के नाम से जानती थी। बाकी बुक पर क्लियरली शुभ का नाम मेंशन था, तो धनंजय उस बुक को इसीलिए लेकर गया था। डिटेल नंबर 8, ये डिटेल थोड़ी सी ज्यादा हाईफाई हो गई, पर नोटिस किया तो लगा बता ही दूं। एपिसोड 3 में जब ईशानी रसूल के घर पे जाती है तो वो उसकी ड्रॉइंग्स देखने लग जाती है। यहाँ पर नोटिस करोगे तो 4 बुक हैं जो कि ये डेडिकेट कर रही है कि असुर के टोटल 4 सीजन आएंगे। भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, यहाँ पर ये जो बुक्स हैं वो अलग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रखी हुई हैं। पहले नंबर 4, फिर 1, 2, 3, मतलब देखा जाए तो इस सिक्वेंस में 4 लास्ट नंबर है। अब सीजन 2 के हिसाब से यहाँ पर बुक नंबर 2 है, जिस पर 1 डला हुआ है। और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि सीजन 2 की थीम क्या है, अंत अस्ति प्रारंभ, मतलब अंत ही शुरुआत है, मतलब सीजन 2 ही शुरुआत है। इस हिसाब से जो दूसरी बुक है उस पर जो नंबर 1 डला हुआ है वो बहुत सही डला हुआ है। और ईशानी ने पहली बुक पूरी देख ली, दूसरी बुक भी खोल ली, मतलब सीजन 1 और सीजन 2 पूरे देख लिए हम लोगों ने। बाकी ईशानी ने नीचे वाली 2 बुक नहीं खोली, जो कि ये रेफरेंस कर रही थी कि हमने अभी 2 सीजन नहीं देखे जो आने वाले हैं। डिटेल नंबर 9, जब एटीएफ वाले केसर भारद्वाज को पकड़ने जा रहे होते हैं तो केसर भारद्वाज कार चेंज करके रेड कार में भाग जाता है। बट अगर तुम ध्यान दोगे तो ये वाली रेड कार में पहले ही इस वाले फ्रेम में दिख गई थी। डिटेल नंबर 10, एपिसोड 4 में शायद ही तुमने नोटिस किया होगा कि शुभ ने अपने प्रोफेसर से पूछा था कि अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुम क्या करते, तो एक्चुअली में ये इंडिकेशन था कि शुभ आगे चल के क्या बनाने वाला है। डिटेल नंबर 11, ये वाला जो सीन है जहां पर रसूल को सीबीआई वाले पकड़ लेते हैं, इस सीन में रसूल ग्लास के इस तरफ दिखता है निखिल को, बट जैसा मैं बताया कि अंदर की साइड से इसमें आर पार नहीं दिखता, लेकिन रसूल देख पा रहा था। अब ये जो सीन है ये कॉपी है सुपरमैन की मैन ऑफ स्टील से, जब सुपरमैन को ऐसे ही पुलिस पकड़ लेती है। डिटेल नंबर 12, जब शशांक के पास मेल आती है नैना की, तो उस सीन में तुम और भी मेल देख सकते हो जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे कि नीचे से नुसरत के मेल है केसर भारद्वाज को लेके, और इसमें रिसेंट मेल है पॉल का, जो कि रिलेटेड है प्राइम सस्पेक्ट से। बाकी तुम्हें तो याद ही होगा कि पॉल ने एविडेंस इम्प्लांट कराए थे केसर को फंसाने के लिए, जिसकी रिपोर्ट पॉल ने खुद दी है इस मेल से शशांक को। व्हाट अ कंटिन्यूटी डिटेल। डिटेल नंबर 13, जब धनंजय वृंदा से दोबारा पूछताछ करने जाता है तो वो शुभ के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है, तो वृंदा बताती है कि वो जाने से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब ये वाली जो लाइन है वो मुझे बिल्कुल झूठ लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि असुर के 2 सीजन देखने के बाद मुझे इतना तो पता ही चल गया कि शुभ ना ही खुश होता, ना ही दुखी, ना उसे गुस्सा आता और ना ही वो एक्साइटेड होता। तो भाई साहब, यहाँ पर वृंदा जिंदा झूठ बोल रही है। डिटेल नंबर 14, एपिसोड 5 की शुरुआत में हमने देखा था कि शुभ ने केसर को बचाया और उससे कहा था कि उसका जो जीवन है वो शुभ पर गिरवी रखा है। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया कि एपिसोड 4 में जब केसर को
डीजे पकड़ लेता है तो शुभ कॉल करके उससे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन लौटा रहा हूँ। मतलब केसर उस टाइम फ्री हो गया था अपनी मृत्यु से जो उसने शुभ के नाम की थी। डिटेल नंबर 15। ये डिटेल डेडिकेटेड है इस सीरीज के मेकर्स को। भाई क्या दिमाग लगाया है, मानना पड़ेगा। देखो जब निखिल और पॉल रसूल की लोकेशन का पता लगा रहे होते हैं तो उसकी डाटा यूजेज उसे बस 30 GB ही मिलता है, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि वो डिफरेंट लोकेशन पर डेली जाता है। तो निखिल ये पता लगाने की कहता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा डाटा यूजेज हो रहा है। मतलब देख रहे हो ना मेकर्स का दिमाग कहां तक एक्सटेंड किया है। डिटेल नंबर 16। ये तो हम सबको पता है कि शुभ ने एक फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली मशीन बना ली थी जिस वजह से उससे सारा कुछ पता लग जाता था। रसूल ने इशानी को मारकर उसकी टाइमलाइन में छेड़छाड़ कर दी थी जिस वजह से उसकी प्रिडिक्शन बदल रही थी। जिसके बाद अगर तुमने नोटिस किया हो तो शुभ कहता है कि यज्ञ को आहुति की जरूरत है, मतलब एक मौत करनी पड़ेगी प्रिडिक्शन सही करने के लिए। अब देखा जाए तो पुराने समय में बलि चढ़ाया करते थे समय का संतुलन बनाने के लिए, सेम ऐसे ही शुभ कर रहा है पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से। डिटेल नंबर 17। ये डिटेल नहीं, एक्चुअली एक मिस्टेक है। जहां पर नुसरत को किडनैप किया गया था वहां पर ये लड़की इसके लिए पानी लाती है जिसके लिए वो एक हाथ खोल देती है, लेकिन नुसरत का जो दूसरा हाथ है वो बंधा हुआ है। पर अगर तुम नोटिस करोगे तो जब नुसरत रिमोट पकड़ती है तो उसके दोनों हाथ खुले होते हैं। डिटेल नंबर 18। तुमने शायद ही नोटिस किया होगा जब धनंजय उस लैब में जाता है जहां पर सब कुछ जला हुआ होता है तो उसे शुभ का एक नोट मिलता है जहां पर क्लियरली धनंजय का नाम मेंशन होता है। इससे जस्ट पहले वृंदा ने डीजे को कॉल करके बुलाया और उसे लैब के बारे में बताया और कहा शुभ ही तो उसे ये सब करने को कहता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज डीजे ने मिस कैसे कर दी कि वृंदा पूरी की पूरी शुभ से मिली हुई है। डिटेल नंबर 19। एपिसोड 6 में जब अर्जुन भल्ला की वजह से मार्केट गिर जाता है तो निखिल एक वर्ड बोलता है एनआरकी, जिसका मतलब होता है कि जब लोग किसी गवर्नमेंट की ना माने उनका जो मन करे वो करें, यही तो शुभ चाहता था शुरू से। डिटेल नंबर 20। एपिसोड 6 के एंड में तुमने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर शुभ डोमिनो गेम खेल रहा होता है, और अगर तुमने नोटिस किया हो तो तुम्हें एपिसोड 6 का जो नाम है वो भी डोमिनो इफेक्ट दिखेगा। तो हाँ ये फुल रेफरेंस था एपिसोड 6 के टाइटल को। डिटेल नंबर 21। तुम्हें वो लैंडस्लाइड तो याद ही होगी जिससे अनंत सबको बचाता है। एपिसोड 7 में हमें पता लगा कि वो लैंडस्लाइड डीजे ने ही कराया था। अब यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर डीजे नहीं उसका आदमी है, क्योंकि इस टाइमलाइन के दौरान डीजे यहाँ पर हो भी नहीं पाता क्योंकि वो उस टाइम पर हरिद्वार में था शुभ को ढूंढ रहा था। डिटेल नंबर 22। अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये तो आया ही होगा कि शुभ को कैसे पता लगा कि अनंत जो बच्चा है उसका जो नाम बनाया गया है लोगों के बीच वो सब कुछ धनंजय का बनाया गया है, जबकि ये बात तो बहुत ज्यादा प्राइवेट थी। तो ऐसा इसलिए हुआ, धनंजय ने जो हॉस्टेज सिचुएशन बनाई थी उसमें उसने शुभ का ही नाम यूज किया था जिस वजह से शुभ को पता पड़ गई। डिटेल नंबर 23। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमने देखा था कि शुभ अपने दादाजी को ही मार देता है, पर क्यों मारा? अगर मारना ही होता तो ये शुरू में ही मार देता। एक्चुअली शुभ की मशीन ने प्रेडिक्ट किया हुआ कि उसका जो दादा है उसकी कमजोरी बन जाएगा, क्योंकि जैसा हमें पता है वो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से उसने अपने दादू को मार दिया। डिटेल नंबर 24। जब शुभ किसी को मारता था तो उसकी उंगली काट लेता था, बट जब उसने अपने प्रोफेसर को मारा तो उसकी उंगली नहीं काटी। अगर वो उसकी उंगली काट देता तो CBI को शुभ की लोकेशन बहुत पहले ही पता लग जाती। डिटेल नंबर 25। तुम्हें लगा होगा कि लास्ट में निखिल नायर और डीजे की टीम जीत गई, लेकिन असलियत में शुभ ही जीता था, क्योंकि निखिल ने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया था और ना ही किसी का साथ दिया था। पर इन दी एंड निखिल ने शुभ का मर्डर करके ये साबित कर दिया कि शुभ अपने मकसद में कामयाब रहा। डिटेल नंबर 26। एंडिंग को देखकर मेरे पास एक थ्योरी है। जो वृंदा थी वो प्रेग्नेंट थी और वो एक बच्चे को जन्म देगी जो बच्चा आगे चल के असुर बनेगा, क्योंकि सीजन 2 की थीम ही यही थी कि अंत ही प्रारंभ है। शुभ उस बच्चे में इसलिए आएगा क्योंकि लास्ट में उसने कहा था कि कली ने पहले ही शरीर बदल लिया था, तो एक इंडिकेशन था सीजन 3 के लिए। बाकी वृंदा प्रेग्नेंट थी ये मुझे इस मूर्ति से पता लगा जिसे वृंदा बना रही थी। इस थ्योरी पे तुम्हारा क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। भाई एक सीजन में 8 एपिसोड थे जिन्हें 0.25x स्पीड में देखने में हालत खराब हो गई। मैंने फिर भी कोशिश की जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की, उसे एडिट करने की। तो भाई एक लाइक और कमेंट कर दो ना। असुर की बाकी डिटेल्स और थ्योरी से रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ऐसे ही हिडन डिटेल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।